बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। हेलो एवरीवन, आपका होस्ट फिल्मी सिकंदर। दोस्तों मैं मौजूद हूँ सिनेमा का मंदिर गेटी गैलेक्सी, और आपको पता है यहाँ पर 6 बजे का, सुबह 6 बजे का शो है दोस्तों, और मैं टिकट बुक कर लिया। जी हाँ दोस्तों, आपको दिखा सकता हूँ मैं, ये देख सकते हो आप, मेरा जो टिकट है बुक हो गया दोस्तों सुबह 6 बजे का। जी हाँ दोस्तों, इतनी खुशी मतलब कि यार पूछो ही नहीं कितनी खुशी हुई है आज लिटरली ये टिकट निकालने के बाद। मतलब कि यार मैं बहुत सी फिल्में देखा है सुबह का शो, यहाँ तक कि 5 बजे का भी शो देखा है, लेकिन दोस्तों जो मज़ा गेटी गैलेक्सी में है देखने का, वो मज़ा कोई थिएटर में नहीं आता दोस्तों। और सुबह 6 बजे बोले तो अपने आप में एक मतलब क्या एक प्राउड फील हो रहा है यार कि सिनेमा का मंदिर बोले तो आइकॉनिक सिनेमा में सुबह 6 बजे का बोले तो हिस्टोरी क्रिएट कर गया है। मतलब कि ज़िंदगी में किसी ने देखा नहीं होगा जो कि गेटी में सुबह 6 बजे का शो चला है, और फाइनली आज चलने वाला है थर्सडे का बोले तो यार 7 बजे का शो है। और टिकट्स इस कदर बुक हो रहे थे भाई, इस कदर जैसे ही ओपन हुआ इसकी माँ का मैं हिल गया। मैं चला गया रिव्यू लेने गोरेगांव सुबह 11 बजे, और मेरे को यहाँ आते आते ना भाई मात्र 4 से 5 घंटा में आधा से बेसी फुल, बालकनी में एक भी टिकट नहीं, स्टॉल में पीछे का पूरा के पूरे हाउस फुल, आगे का बच रहा है। अब क्या करूँ मैं बोलो भाई जो भी बच रहा आगे का, एक घंटा और रुका ना, एक घंटा और वेट किया ना, घंटा वो भी फुल हो जाएगा, और अब मैं हाथ क्या लगेगा, ये नहीं लगेगा, कुछ और ही लग जाएगा। फिर मैंने बोला भाई ले ले आगे का ही सही, ले ले। तो फाइनली मैंने आगे का ही ले लिया। मैं बोला भाई मैं तो देखूंगा भाई गेटी गैलेक्सी में 6 बजे का शो मिस नहीं कर सकता भाई, पता नहीं फिर कौन सा साल में 6 बजे का शो लगे, हो सकता फिर 50-51 साल के बाद लगे, फिर तब तक तो मर जाऊंगा यार, दफना दिया जाएगा, जला दिया जाएगा इसकी माँ का, फिर पता नहीं इसके वजह से है कि जिंदे जी देख लो, इसके वजह से बोल रहा था मैं कि जल्दी से जल्दी बुक करो टिकट, नहीं तो यार सोल्ड हो जाएंगे टिकट बॉस। तो गाइज मैंने तो बुक कर लिया है टिकट, आपने किए है कि नहीं किए आप हमें ज़रूर कमेंट्स में बताएं, और आप कितना एक्साइटेड हो जवान मूवी को देखने के लिए ये भी आप हमें कमेंट्स में बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय महाराष्ट्र। और बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से मिल ले, समझे ना।